बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। नागपुर से अब रुख करते हैं अंबेडकर की जन्मस्थली मऊ की और जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की वजह से दूसरे के घर में बर्तन धोने कपड़े साफ करने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना। बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब अंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब अंबेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए थे। जिस महापुरुष के पास इतनी बड़ी ज्ञान संपदा हो, जिस महापुरुष के इस युग में विश्व की गणमान्य यूनिवर्सिटीज की डिग्री हो, वो महापुरुष उस कालखंड में अपने व्यक्तिगत जीवन में लेने पाने बनने के लिए सारी दुनिया में अवसर उनके लिए खुले पड़े थे, लेकिन इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए उनके दिल में जो आग थी, जो उनके दिल में कुछ कर गुजरने का इरादा था, संकल्प था, उन्होंने इन सारे अवसरों को छोड़ दिया और वे अवसरों को छोड़ करके फिर एक बार भारत की मिट्टी से अपना नाता जोड़ करके अपने आप को खपा दिया। कि बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था, दो दिन पहले ही उन्हें नोएडा से। द शो इज परफेक्टली फाइन, इट्स हेल्दी, इट्स नॉर्मल एंड इट्स कूल लाइक ऑलवेज। लिटिल बेबी कॉल्ड द आईफोन एसई हैज अराइव्ड इन इंडिया एंड वी गॉट आवर हैंड्स ऑन इट। वी हैव टोल्ड यू अ लॉट अबाउट द फोन, रीजंस टू बाय इट एंड